सारिया भजन मंडल भोपाल इनके बाद तैयार रहे। समिति का आदेश का पालन करते हुए समय 10 मिनट तथा महाभारत वीर रस से पहले चंद सैन सुनेंगे। आइए ये महाभारत का दौर है भैया, इसका मजा ही कुछ और है। अरे आज देखना है यहाँ क्या होने को जाएगा। अरे ताली बजा दो, तुम्हारा क्या चला जाएगा। सुन अपनी जिंदगी का प्यार देखकर, अरे तू क्या रहित बन गया अपना किरदार देखकर। अरे बुजुर्ग तेरी रकम में खून नहीं बचा, जा चूड़ियां खरीद ला अपनी तलवार बेचकर। आदाबे आदाबे जिंदगी से बहुत दूर हो गया। अरे शोहरत जरा सी क्या मेरी मगरूर हो गया। उड़ाने खत्म कर दे हम हर भी हो नहीं सकते, हवा भी तेज हो तो समझौता हम कर नहीं सकते। बहुत अच्छी तरह पता है, बहुत अच्छी तरह पता है हमें अपनी कद का अंदाजा। जान जाऊंगा बहुत अच्छी तरह पता है हमें अपने कद का अंदाजा। हम अपना साया लंबा देख कर उछला नहीं करते। अरे हम तो वो वीर है जो समर में पीड़ दिखाया नहीं करते। आ जाए अगर कोई दुश्मन तो उसका सपाया छोड़ने करने से नहीं मना नहीं करते। क्या कहते हैं लेकिन पहले पेड़ लगाना पड़ता है। समझ समझे कैसा समझ रहे। परशुराम जी और पिता माँ का भीष्म युद्ध आपके सामने, कथा लंबी है, समझदार लोग बैठे हैं, जानकार लोग बैठे हैं। अम्मा अम्बिका मालिका को जब जीत कर पिता माँ भीष्म ले आते हैं तो अम्मा कहती है मुझसे शादी करो। अम्मा परेशान हो जाती, भीष्म शादी नहीं करते। अम्मा परेशान होकर परशुराम जी के पास जाती है, परशुराम जी को सारा हाल सुनाती है। परशुराम जी पिता माँ भीष्म को बुलाते, कहते या तो उससे शादी कर या मेरे साथ युद्ध कर। कि मौत के पुजारी मौत से डरा नहीं करते, मैदान में जाकर यूं डरा नहीं करते। हादसा खुद हमारा पता कहते हैं रावत, हम पता जेब में रखकर निकला नहीं करते। या तो इसके साथ शादी कर
या मेरे साथ युद्ध कर। तो परशुराम जी क्या कहते हैं, आज तक किसी माने ऐसा वीर पैदा नहीं किया जो परशुराम के तीरों को रोक ले। तू तो नया खिलाड़ी है, सबर का मैं बहुत पुराना हूँ बेटा, तू मेरा चेला है, परशुराम जी गुरु है, पर भीष्म पितामह भीष्म के। तो क्या कहते हैं परशुराम जी, और मेरे ये हुआ पैदा है कौन मतवाला हुआ पैदा। ये हुआ पैदा मत माला मैदान का बंदोबस्त हम भी करके आए हैं। तू अच्छा है तो हम बुरा करके जाएंगे। क्या कहते हैं, तेरी औकात क्या है, तू तो मेरा चेला है, अभी भी भक्त है मान्य भी। मैंने सीखा मैंने वीरों को जीत है डाला, ये हुआ पैदा है कौन परशुराम जी के इतने वचन सुनकर पितामह भीष्म कहाँ कम पड़ने वाले। कहते मुनिराज ये होंगे मारे होंगे किसी जमाने में वीर, जब मैं नहीं था, लेकिन आज मैं हूँ, आज दो दो हाथ हो ही जाए। क्या कहते हैं, तो जिसका मुझे किसी घड़ी का तो इंतजार था, तो जिसका मुझे था इंतजार, लड़ने को मैं भी हूं तैयार। भले ही आप मेरे गुरु हो, या तो खुद मर जाऊंगा या तुम्हें मार डालूंगा। कहना है तुमको या मर जाना है मारोगे खुद नहीं तो खुद मर जाओगे। कहना है
करना है तुमको या मर जाना है। लेकिन जब आप अपने गुरु की हद पूरी करते हो तो करो उपाय बताता हूँ। आज पता चल जाएगा तुझे तो और क्या तेरी दोनों भीड़ में इतना महाघोर घनघोर युद्ध होता है, क्या होता है, सारे देवता घबरा जाते हैं, दोनों किसी से कम नहीं पड़ते। समय कम है भैया, कथा को आगे बढ़ाते हुए, अब दो वीरों में आज लड़ाई लगता है अब मौत मेरे हाथों आ गई। क्या हुआ? ये जंग छिड़ गई रे जंग छिड़ गई रे।